लक्ष्मी जी को नमस्ते कह देना। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। हमारे शहर में एक सेठ जी थे जो शहर के सबसे धनवान व्यक्ति थे। उनकी बड़ी शोहरत थी। वो अक्सर शाम को अपने व्यापारिक काम से निवृत्त होकर मंदिर जाया करते थे। रास्ते में उन्हें जो मिलता वो उनको नमस्ते करता, उनका आदर सम्मान के साथ अभिवादन करता। मंदिर पहुंचकर वो भगवान का दर्शन करते और प्रणाम करते और चलते वक्त ये कहते, हे प्रभु, लक्ष्मी जी को कह देना कि आज इन लोगों ने आपको नमस्ते भेजी है। और जिन लोगों ने मंदिर आते वक्त सेठ जी को नमस्ते करी थी उन सबका नाम लेते थे। और ये कार्य सेठ जी की रोज की दिनचर्या में शामिल था। एक दिन सेठ जी के साथ उनका एक मित्र भी मंदिर आया था। उसने ये सब देखा और सुना, तब उसने सेठ जी से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने तुम्हें नमस्ते की उन्होंने तो ये सब नहीं कहा था कि हमारी नमस्ते लक्ष्मी जी तक पहुंचा देना। तब सेठ जी बोले, जो लोग मुझे नमस्ते करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, ये सब वो मुझे नहीं करते बल्कि लक्ष्मी जी को ही करते हैं। अगर ये मुझे नमस्ते या मेरा आदर करते तो तब भी करना चाहिए था जब मेरे पास दौलत नहीं थी और मैं इसी शहर में एक मजदूर का जीवन व्यतीत कर रहा था। ये सब तभी से हुआ है जब से मैं धनवान हुआ हूं। साथियों, मेरा ये वाक्या सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास जब बहुत दौलत आ जाती है या उन्हें बहुत पावर्स मिल जाती है तो अहंकार उनके सर पर चढ़कर बोलता है। ये बात ठीक है कि उन लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पुरुषार्थ से ये सब हासिल किया हो, लेकिन ये सब पुरुषार्थ से मिल जाए ये भी जरूरी नहीं होता। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि उनको दौलत मिलने में या पावर्स मिलने में उनके पुरुषार्थ का रोल नगण्य है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन अकेले पुरुषार्थ के दम हम दौलत, शौहरत आदि प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवन में पुरुषार्थ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते, लेकिन उनको बस उतना ही बामुश्किल मिलता है कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सहजता से कर सके। सर्व मान्यता है कि दौलत, शौहरत और पावर्स के प्राप्त होने के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। उस शक्ति को हम अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम इन सब उपलब्धियों के लिए उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद ना करके इस भ्रम में आ जाते हैं कि ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। साथियों, जो भी उपलब्धियां हों, दौलत, शोहरत, पावर्स, कुछ भी हमारे पास हो, और भले ही उसमें हमारी मेहनत और हमारे बुद्धिमत्ता का योगदान हो, लेकिन उन सब के लिए हमें बहुत संजीदा होकर अहंकार ना करते हुए उस अदृश्य शक्ति या कहिए उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद।